टीम वन कृपया करके मंच पे आए। यस, सो आप लोग तैयार हैं अपने अपने फ्रेम में, आप लोग सेट हैं, राइट? यस सर। अपने अपने मार्क पे आप लोग खड़े हैं। यस सर। करना कुछ नहीं है, ना ही आपको आजू बाजू कौन आपके खड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस एक चीज से मतलब है। कई लोग कैमरा एक्टिंग के नाम पे बोलते हैं कि हम लोग कैमरा एक्टिंग सिखाते हैं, हम लोग थिएटर एक्टिंग सिखाते हैं, हम लोग एडवांस कैमरा एक्टिंग सिखाते हैं। गाइज, कैमरा को हिंदी में बोला जाता है चलचित्र पेटी। क्या बोला जाता है? चलचित्र पेटी। चलचित्र पेटी यानी कि एक तरह का वो डिवाइस है। डिवाइस से आपको क्या लेना देना यार, मेरे यारा, मेरे दोस्त, मेरे प्रा, डिवाइस से आपको क्या लेना देना? आपको अपने अभिनय से मतलब होना चाहिए। आप पानी कैसे पीते हो, आप कैसे दौड़ते हो, ये कैमरामैन का काम है बॉस। वो आपको बता देगा आप इस एंगल में खड़े हो जाओ, इस एंगल में खड़े हो जाओ, ऐसे फ्रेम में खड़े हो जाओ, ऐसे वस्त्र पहन लो, ऐसे हाथ उठाओ, ये आपको कर देना है बॉस। डीओपी जिसको बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, वो बंदा क्या कर रहा है या क्या कर रही है उसको आपको क्या मतलब है? आपको अभिनय करना है। क्या करना है? अभिनय करना है। अभिनय करना है, और अभिनय में कैमरा की कोई जरूरत नहीं है। अभिनय में डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी खड़ा है या नहीं खड़ा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्या आप अपने किरदार को जी रहे हो? क्या आप अपने किरदार को उस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो जो निर्देशक, जो डायरेक्टर वहां पे बोलता है? दोस्तों, एक बिहार के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, गुरमीत चौधरी, राइट? उनका एक कहना है कि बॉस, एक से बड़े बड़े डायलॉग को याद करते थे जब वो राम बने थे रामायण में। यस सर। समझ आ रहा है? यूट्यूब पे पड़ा, आप लोग देख लेना। इससे क्या मालूम पड़ता है कि बॉस, आपको एक्टिंग से मतलब होना चाहिए। कैमरा एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग को छोड़ दो। एक्टिंग क्या है आप बताएं, एक्टिंग क्या है? सर, एक्टिंग है सर अपनी बॉडी को किसी किरदार में ढालना। एक्टिंग क्या है? अपनी बॉडी को किसी प्रकार के वो में, किरदार में ढालना। ओके, मैं अगर आपसे बोलूं कि एक्टिंग एक किरदार जीने का तरीका है, एक्टिंग एक किरदार जीने का तरीका है, किरदार जीने का तरीका है एक्टिंग। दूसरे भाषा में अगर मैं बोलूं आपको कि शरीर के भाव से, चेहरे के भाव से, आवाज के भाव से किसी किरदार को या तो कैमरे पे या तो मंच पे दर्शाओगे, और कहां दर्शाओगे? बस अड्डे पे तो दर्शाओगे नहीं, कैमरे के सामने यानी कि शूटिंग पे दर्शाओगे, थिएटर में यानी कि बहुत लोग बैठे होंगे, मंच पे दर्शाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि बॉस, आपको एक्टिंग नहीं करना है, आपको एक्टिंग नहीं करना है, आपको ऐसा भाव पैदा करना है, आपको ऐसा भाव पैदा करना है, ऐसा भाव पैदा करना है कि दर्शक भी भाव पैदा करने पर मजबूर हो जाए। ओके सर, बात में दम है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको ऐसा भाव पैदा करना है कि जो आपको देख रहा है वो भी भाव पैदा करने पे मजबूर हो जाए। जैसे डर मूवी में शाहरुख खान साहब ने किस तरीके से अलग अलग किरदार को निभाया है, गुस्से का भाव, साइको का किरदार, लड़की को मारने का किरदार, देखा आपने डर मूवी? तो उस मूवी को जो आप देखते हो तो आप भी कहीं ना कहीं अंदर से डर जाते हो कि ओ माय गॉड, अब लड़की को ही मार देगा, अब लड़की को ही बचा लेगा, अब हीरो से फाइट होगी। आपके आपके चेहरे पे भाव आता है कि नहीं आता है? जब आप कोई डरावनी मूवी देखते हो, राइट, या कोई फाइट की मूवी देखते हो, तो आपके मन में विचार आता नहीं कि अरे हीरो को चोट लग गया, राइट? हीरो भी नो रो रहा है, हीरोइन भी रो रही है। तो जब वे दोनों एक्टर, कौन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या हुमा कुरैशी, वे लोग जब भाव पैदा करते हैं तो एज ए दर्शक आपके भी चेहरे पे भाव आ जाता है, आता कि नहीं आता? सर, आता है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब आप अभिनय करें तो आप भी ऐसा भाव पैदा करें कि मैं जब आपको देखूं तो बोलूं कि ओ माय गॉड, क्या यार लड़के को चोट लग गया, क्या यार लड़का रो रहा है, समझ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या यार लड़का हंस रहा है, इस तरीके का मेरे अंदर भाव आना चाहिए। तो ये दो तरफा है, मतलब सिर्फ आप ही एक्टिंग कर रहे हो और मैं इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा तो मैं थिएटर छोड़ के चला जाऊंगा। यस सर। सही है, गलत? सही है। हम तुम्हारे हैं सनम, एक मैं कल मूवी देख रहा था, ऐसे ही टेलीविजन पे आ रहा था, सो वहां पे शाहरुख खान साहब और सलमान खान साहब लड़ रहे होते किसी बात को लेके। यस सर। तो वो ऐसे कर रहे थे जैसे मेरे को लग रहा था कि अब वो गोली मार देगा या अब उस तरीके से वो लोग फाइट कर लेंगे, सब कुछ नकली हो रहा था, सब कुछ नकली हो रहा था, लेकिन मुझे असली लग रहा था एज ए दर्शक। यस सर। तो आप लोग एक्टिंग अपने लिए नहीं कर रहे हो, एक्टिंग आप किसके लिए कर रहे हो? दर्शकों के लिए। दर्शक के लिए। तो दर्शक को आपको नकली चीज असली साबित करके देनी है तो आपको क्या करना होगा? एक्टिंग। अभिनय नेचुरल तरीके से करना होगा। क्या करना होगा? अभिनय नेचुरल तरीके से करना होगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को समर्पण कर दो कि बॉस, आप जो करने जा रहे हो आप वही हो। अगर डॉक्टर हो तो डॉक्टर हो, लॉयर हो तो लॉयर हो, भिखारी हो तो भिखारी हो,
आप नहीं रह गए हैं, आपको समर्पण कर देना है। क्या करना है? हमको समर्पण कर देना है। एक्टिंग में एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं अडैप्टेशन। क्या बोलते हैं? अडैप्टेशन, यानी आप अपने अंदर उस किरदार को ढाल लेते हैं। तो ढालोगे कैसे? कपड़ा पहन के, चेहरे का भाव लाके, शरीर का भाव लेके। समझ रहे कि नहीं? यस सर। तो अभी कुछ डायलॉग है मैं आपके सामने, आप जाए वहाँ पे, आप वहाँ पे जाए पढ़ के बताए क्या डायलॉग है। श्याम बोलेगा, अरे यार ये नंबर लिख, नंबर है 1800-3000-4000। कबीर बोलेगा, ये कौन सा नंबर है यार भाई? श्याम, ये ओनिडा टीवी का नंबर है। कबीर बोलेगा, तो मैं क्या करूं? श्याम बोलेगा, तू इस नंबर पर फोन कर और टीवी ठीक करा दे भाई। कबीर बोलेगा, ठीक है चल। तो इसमें श्याम कौन है? श्याम कौन है? सर मैं। श्याम आप हो? आप कौन हो? कबीर। आप लोगों को डायलॉग याद है? यस सर। रिलैक्स भाव में, ऐसा समझो कि सच में टीवी ठीक कराना है। हट जाओ बॉस, आप बॉस चलो, थोड़ा खींच के। ओके रेडी, कम ऑन एक्शन। यस सर। यार ये नंबर लिख, नंबर है 1800-3000-4000। ये कौन सा नंबर है भाई? ये नंबर है ओनिडा टीवी का। तो मैं क्या करूँ? तू एक काम कर, इस नंबर पर फोन कर और टीवी ठीक करा ले भाई। ठीक है चल। ठीक है मैं जा रहा हूँ नोएडा। ओके बाय। ओके बाय। वेरी गुड, तालियां। तो आप लोगों ने एक रिलैक्स भाव से इस चीज को दोहराया। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपने बहुत ब्रिलियंट किया, लेकिन हाँ अगर आप 2 बार 10 बार 30 बार करेंगे तो डेफिनेटली इसमें आएगी चीजें। ये एक आदत है, बोलिए, एक्टिंग एक आदत है। एक्टिंग एक आदत है जो रातों रात नहीं आ सकती। जो रातों रात नहीं आ सकती। अभिनय एक आदत है। अभिनय एक आदत है जो रातों रात नहीं आ सकती। जो रातों रात नहीं आ सकती उसके लिए समय देना पड़ता है। राइट? यस सर। व्यूअर्स आप सुन रहे थे बिहाइंड द कैमरा विपिन कुमार को, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं आज इसी वक्त डिस्क्रिप्शन में जाए, जो नंबर है उस नंबर पर फोन करें, आप अपनी मर्जी से एडमिशन ले सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बोलिए ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।